एक बहुत सुंदर कथा आती है, देवव्रत नाम के ब्राह्मण की कथा, जो कौशल देश में रहते थे, देवदत्त जिनका नाम था। एक बार उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ कराया था पुत्र प्राप्ति के लिए। तो जब यज्ञ कराया तो उसमें बहुत से श्रेष्ठ विद्वानों को बुलाया, वेद पाठियों को बुलाया। और जब वेद पाठ वहां हो रहा था उस महायज्ञ में, तो एक बूढ़े से ऋषि थे, गोमिल ऋषि। तो अधिक उम्र हो जाने के कारण जब वो पाठ कर रहे थे, स्वर का उच्चारण कर रहे थे, वेद मंत्र पढ़ रहे थे, तो उनका जो स्वर था वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। उम्र ज्यादा थी, कंठ में कंपन हो गया, तो मंत्र जब उच्चारित करते तो उनका सुर भंग हो रहा था। जब ये सुर भंग दिखाई दिया तो देवदत्त जो ब्राह्मण थे उनको बुरा लगा। क्या करते हो महाराज, क्या कर रहे हो, आपका स्वर भंग हो रहा है। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ अनुष्ठान करवा रहा हूँ, यज्ञ करवा रहा हूँ, आपका स्वर भंग होगा तो कैसी संतान होगी, अर्थ का तो अनर्थ हो जाएगा। आपको नहीं स्वर में बोलना आता तो मत बोलिए, और कठोरता पूर्ण शब्द कहे। गोमिल ऋषि ने कहा, इसमें इतना अकड़ने की क्या बात है, इतने क्रोध की क्या बात है ब्राह्मण, मेरी उम्र अधिक हो गई है, इस कारण से स्वर इधर से उधर हो भी गया तो क्या, मेरे भाव में कोई कमी नहीं है, मैं भाव पूर्ण होकर के ये मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, तुम्हारे घर अच्छी संतान हो इसीलिए, पर तुम इतनी कठोरता दिखाते हो, किस तरह आचार्य से बात करते हैं इतना भी तुम्हें पता नहीं। क्रोधित हो गए, उनको भी क्रोध आ गया और क्रोधित होकर के श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे घर संतान तो होगी पर ऐसी मां मूर्ख संतान होगी कि तुम उस संतान को पाकर भी पछताओगे, दुखी रहोगे। इन्होंने प्रार्थना की, क्या होगा प्रभु, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, एक श्रेष्ठ संतान के लिए यज्ञ करा रहा हूं, आपने तो उसी संतान को महामूढ़, और ब्राह्मण के घर मूढ़ संतान होना, इससे अधिक और बुरी बात क्या होगी, दुख की बात क्या होगी। कोई बात नहीं, मान गए, भगवती की कभी कृपा हो गई तो विद्या और बुद्धि भी मिल जाएगी। समय बीता, संतान हुई, वैसी ही मूर्ख संतान थी, धीरे धीरे बड़ा होने लगा ये बालक, पर इसमें कोई ढंग नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई ज्ञान नहीं। अब ब्राह्मण के घर संतान जिसमें ज्ञान की कमी है, ये ब्राह्मण बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। और धीरे धीरे बहुत प्रयास किया सिखाने का, पढ़ाने का, बहुत सारे प्रयास किए, पर श्राप लगा था तो मति ऐसी थी, कई प्रयास किए पर ये समझ ही नहीं पाए। वैसे संत भी कई प्रयास करते हैं आप सबको समझाने का कि आप भी समझ जाओ, कि समाज समझ जाए, बदल जाए, पर नहीं समझना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते। अब ये बालक तो किसी श्राप बस नहीं समझ पा रहा था, पिता को क्रोध आया, बाहर निकाल दिया, जाओ जहां तुम्हें जगह मिले वहां रहो, मेरे घर में ऐसे अज्ञानी के लिए जगह नहीं। ये रोता हुआ गया, जंगल की ओर चला गया। भगवती की कुछ ऐसी कृपा हुई, इसने एक व्रत जीवन में धारण किया, इसने सोच लिया कि मैं जीवन पर्यंत कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, एक ही व्रत धारण किया। कुछ बोलूंगा भी, बोलते ही कम थे, कुछ बोलूंगा भी तो कभी भी झूठ नहीं बोलो, एक व्रत धारण कर लिया, और केवल एक व्रत से ही इनका नाम सत्य व्रत पड़ गया, और पूरे क्षेत्र में जहाँ इनकी कुटिया थी सब इनको सत्य व्रत महाराज के नाम से जानने लगे। बहुत श्रेष्ठ महात्मा है, कभी झूठ नहीं बोलते। एक दिन एक इनकी कुटिया से एक सुअर आया और उसने उसमें तीर बिंधा हुआ था, शिकारी ने तीर मार दिया था, तो कुटिया से होकर के पीछे चला गया। देखा महात्मा ने, व्यथित से हो गए उसकी पीड़ा को देखकर। शिकारी ने पूछा, यहाँ से मेरा शिकार गया है अभी, एक सुअर को देखा है आपने, प्रश्न ही कुछ ऐसा पूछ लिया।
शिकारी ने पूछा कि अभी एक सुगर यहाँ से निकल के, मेरा शिकार यहाँ से निकल कर गया, क्या उसको देखा है? उसमें तीर बंधा विदा हुआ था, तीर लगा हुआ था, वो मेरा शिकार था, क्या आपने देखा है? वो जानता था कि ये झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलेंगे। अब सत्यव्रत सोचते हैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं? अगर कहता हूं कि देखा था तो एक जीव की हत्या हो जाएगी मेरे द्वारा, यदि कहता हूं नहीं देखा था तो झूठ बोल दिया जाएगा, वाणी का जो व्रत है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या कहा, कितना सटीक सिद्धांत दिया है आज सत्यव्रत। और वो विवेक कहां से जागृत हुआ? जैसे ही वो जीव आया उनके सामने, उस तीर विदे हुए उस जीव को देखा तो उनके मुंह से एकदम ये शब्द निकल गया, ऐसे ही व्यथित हो गए। और ये जो ए शब्द है ना, वो बीज मंत्र है माँ भगवती का। बस उनकी कृपा मिल गई, बुद्धि जागृत हो गई, विवेक आ गया, हृदय में भगवती प्रकट हो गई। और ये ऐसी चेतना मिली कि उस पूछने वाले को इतना सटीक जवाब महाराज सत्यव्रत ने दिया, शायद ही आज तक किसी ने दिया हो। या पश्यति न ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किं प्रक्षसि पुनः पुनः। या पश्यति न सा ब्रूते, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। सत्यव्रत महाराज कहते हैं उस शिकारी से कि भैया जिन आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती है, और जिस वाणी, जो वाणी बोल सकती है उसने देखा नहीं। तुम कहते हो कि आपने देखा है उस शिकार को, तो जिन आंखों ने देखा वो तो बोल ही नहीं सकती है, और जिस वाणी को बोलने की शक्ति मिली है वो देख नहीं सकती है। इसलिए किम प्रश्यति पुनः पुनः, क्या पूछते हो मुझे बार बार? अपने आप जाकर खोज लीजिए। झूठ भी नहीं था और जीव की रक्षा भी हो गई। एक व्रत धारण किया जीवन में।